आध्यात्मिक जगत के विश्व विख्यात सूर्य भक्ति योग रस अवतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री ब्रज परिकरी देवी जी गुरु प्रदत्त दिव्य ज्ञान के द्वारा विश्व शांति के एकमात्र सर्वसुगम सर्वसाध्य मार्ग का निरूपण करने जा रही हैं। उनका प्रवचन धारावाहिक होने के कारण प्रतिदिन सुनना अनिवार्य है, तभी विषय ठीक से हृदयंगम हो सकेगा। ब्रह्म किसे कहते हैं? अधि ही भगवो ब्रह्मेति। तो उन्होंने कहा यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। देखो, जिससे समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें समस्त भूत स्थित हैं और जिसमें समस्त भूतों का लय हो जाएगा, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो भृगु जी ने पूछा कि पिताजी किसमें? आपने कह दिया जिसमें, जिससे, तो किसमें, किससे, ये भी तो बताइए। तो उन्होंने कहा देखो, ये बात शब्दों में नहीं समझी जा सकती, इसके लिए तुमको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपश्चर्या करके ब्रह्म को जानो। तो सतपो तप्यत, वो तपस्या करने गए भृगु, उन्होंने घोर तप किया और तपस्या करके क्या जाना? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है, ये जो भोजन करते हैं ना हम लोग, यही ब्रह्म है, क्योंकि इसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पिताजी ने कहा है कि जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हो वो ब्रह्म है। तो अन्न खा करके ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर वीर्य बनता है, फिर रज वीर के संयोग से संतान पैदा होती है। तो इस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति का कारण अन्न हुआ और अन्न खाकर के ही सब लोग जीवित हैं और मरने के बाद अन्नमय पृथ्वी में ही, अन्न स्वरूपा पृथ्वी में ही लय हो जाएगा सब प्राणियों का। इसीलिए अन्न ही ब्रह्म है। बिल्कुल ठीक समझ गए हम। गए पिताजी के पास और उनसे कहा पिताजी ठीक है ना? तो वरुण चुप रहे, गंभीर हो गए, यानी तुम अभी नहीं समझे। तो उनका पिताजी अगर ये ब्रह्म नहीं है तो आप ही बता दीजिए ना, ब्रह्म किसे कहते हैं? हमने तुमको बताया ना, ब्रह्म शब्दों का विषय नहीं है कि मैंने बताया ये रसगुल्ला है और तुम समझ गए। उसको तो तपश्चर्या के द्वारा ही जानना होगा। जाओ फिर से तपस्या करो। फिर गए भृगु और तपश्चर्या करके फिर क्या जाना? प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है। ये श्वास लेते ना हम लोग, ये यही ब्रह्म है। इसी से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसी से समस्त प्राणी जीवित हैं, इसी में समस्त प्राणियों का लय हो जाए। फिर आए पिताजी के पास, ठीक है ना पिताजी? इस बार भी वरुण चुप रहे, गंभीर हो गए, यानी अभी भी तुम नहीं समझे, फिर जाओ तपश्चर्या करो। फिर गए भृगु, फिर तपस्या की और इस बार जाना मनो ब्रह्मेति व्यजानात मनसो ह्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभि संविशन्ति।
मन ही ब्रह्म है, मन से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मन में ही सब प्राणी स्थित हैं, मन में ही समस्त प्राणियों का लय हो जाए, मन ही ब्रह्म है। फिर आए पिताजी के पास बताने की मैंने ठीक समझा है ना, तो वरुण फिर गंभीर हो गए, चुप रहे, यानी अभी भी ठीक नहीं जाना तुमने, जाओ फिर से तपस्या करो। फिर गए तपश्चर्या करने के लिए, फिर घोर तप किया और अब की बार और ऊंची चीज का ज्ञान प्राप्त किया। अब की बार क्या अनुभव प्राप्त किया उन्होंने, क्या ज्ञान प्राप्त किया? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानाथ विज्ञानाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान माने आत्मा, ये वेदों में विज्ञान शब्द आत्मा के लिए आया है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यज्ञ करे यानी जीवात्मा यज्ञ करे। तो आए पिताजी के पास, यानी देखो अब तक तो उन्होंने जो जाना था ये जड़ चीजों को ब्रह्म कह रहे थे, अन्न प्राण मन ये सब चीजें तो जड़ है ना, लेकिन अब की बार उन्होंने ये जाना कि आत्मा ब्रह्म है। तो आत्मा चैतन्य है, आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके ही ये प्राण आदि मन आदि ये सब चैतन्य वर्क करते हैं। तो इस बार उन्होंने ऊंची चीज पाई। आए पिताजी के पास, पिताजी अब तो ठीक है ना, लेकिन पिताजी ने कहा अभी भी नहीं समझे, अभी भी गंभीर रहे पिताजी, जाओ फिर से तपस्या करो। और इस बार फिर जब तप किया उन्होंने, तो अब की बार क्या जाना, ध्यान दीजिए, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का छठा अनुवाक। आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने यह कहा था कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। ये बताया था ना वरुण जी ने कि ब्रह्म की यह परिभाषा है, तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। तो उन्होंने कहा भाई आनंद से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही सब प्राणी स्थित हैं, और आनंद में ही समस्त प्राणियों का लय हो जाएगा, आनंद ही ब्रह्म है। ये अनुभव प्राप्त किया अब। और अब की बार जब पिताजी के पास आए और बताया ये सब, तो पिताजी हंस पड़े, हां बेटा अब तुम समझे ब्रह्म किसे कहते हैं, तुमने तो इसके पहले ब्रह्म के अंश को ही ब्रह्म मान लिया था। अरे जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है, और तुम तो इसके पहले उसी को कह रहे थे कि ब्रह्म है। तो अब तुमने ठीक ज्ञान प्राप्त किया, आनंद ही ब्रह्म है। यानी भगवान क्या है? आनंद। ये आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए देखिए आप लोगों ने एक नाम सुना होगा भगवान का, सच्चिदानंद, सुना है ना? हाँ सुना है। और चिदानंद भी सुना होगा, हाँ सुना है। और आनंद नाम भी सुना है, हाँ, लेकिन सच्चित नहीं सुना होगा, चित सत नहीं सुना होगा, या तो सच्चिदानंद सुना, या तो चिदानंद, और या तो आनंद। इसका मतलब ये सच्चिदानंद जो है, सत चित आनंद, इनमें कुछ लिंक है, कुछ साइंस है, विज्ञान है। हाँ क्या लिंक है? देखो सत से परे चित है और चित से परे आनंद है, इसीलिए सत का लय
चित्त में हो जाता है। इसीलिए भगवान को चिदानंद भी बोलते, चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये देखो चिदानंद बोला ना, अब इसमें सत नहीं है, क्योंकि सत चित्त में अंडरस्टूड है, इसलिए सत निकाल दिया कि उसके अंतर्गत तो आ ही गया। और सत और चित दोनों का लय आनंद में हो जाता है, इसीलिए भगवान को केवल आनंद भी कहा जाता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। देखो ये खाली आनंद नाम आया भगवान का, को ह्ये वान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात, वेद कहता है। यानी वो आनंद है, आनंदमयोभ्यासात ब्रह्म सूत्र कहता है, आनंद नाम बता रहे हैं देखो भगवान का। तो ये आनंद जो है ये मेन है, सच्चिदानंद। इसमें तीन चीजें ना, सत चित आनंद, तो आनंद मेन है। इसीलिए भगवान क्या है, आनंद। भगवान का नाम आनंद, भगवान का स्वरूप आनंद। इसीलिए वेद ये नहीं कहता, ध्यान दीजिए, रसो वै सह, वेद ये कहता है। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का सातवां अनुवाक, यानी भगवान ही रस हैं, भगवान में रस है, ऐसा नहीं। अगर आनंद कोई अलग चीज होती, अब भगवान अलग होते, तब तो वेद कहता कि रसो वै तस्मिन, भगवान में रस है। लेकिन ऐसा नहीं कहा वेद ने, वेद कहता है रसो वै सह, भगवान ही रस हैं, भगवान ही आनंद हैं। अब कभी कभी संत लोग ऐसा भी बोल देते हैं, अरे भगवान में आनंद है, क्या संसार में ढूंढ रहे हो तुम, संसार में मर रहे हो, उससे प्यार करो, उसमें सुख है। ये भोले भाले लोगों को समझाने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे भोले भाले लोगों को, भोले भाले बच्चों को समझाने के लिए बोल देते हैं, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। एक बच्चे ने पिता से पूछा, पिताजी समुद्र किसे कहते हैं? या एक गांव के गंवार ने पूछा, भाई समुद्र क्या होता है? समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, अगाध पानी होता है, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों जी, समुद्र में पानी होता है, तुम जो ये बोल रहे हो उसको बता रहे हो, तो क्या समुद्र कोई कटोरा होता है जिस कटोरे में बहुत सारा पानी है? अरे समुद्र माने क्या, जल निधि, अम्बुधि, पयोधि, ये सब पर्यायवाची है उसके। तो जल निधि माने क्या, जल का भंडार, उसको समुद्र कहते। तो समुद्र में पानी का भंडार होता है, ये वाक्य तो गलत हो गया ना। इसका मतलब समुद्र कोई बर्तन है, उसमें पानी का भंडार होता है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए लोगों को ऐसा वाक्य बोल दिया जाता है। ऐसे ही भगवान में आनंद है, ऐसा कहना गलत, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे हम बोलते हैं रसगुल्ला, तो ये रसगुल्ला जो है इसमें दो चीजें हैं, एक तो गुल्ला होता है, गोल गोल छेने का बनाया जाता है, और फिर उस छेने के गुल्ले को रस में डुबोया जाता है, तब रस उसके अंदर जाता है, तब वो रसगुल्ला बनता है, फिर हम उसको अपनी जबान पे रख के विभोर होते हैं। तो क्या ऐसे ही भगवान और रस अलग अलग चीजें हैं, भगवान और आनंद अलग अलग चीजें हैं? नहीं। अगर आप ऐसा मानेंगे कि भगवान में आनंद है, ऐसा कहेंगे, तो इसका मतलब भगवान तो कोई सूखा साखा गुल्ले सरीखा था पदार्थ, और जब उसमें आनंद गया, रस गया,
तब भगवान आनंदमय बना और जीवों के काम का बना। फिर तो दो सुप्रीम पावर हो जाएंगी, या यूं कह लीजिए कि आनंद सुप्रीम पावर हो जाएगी। हाँ, मेन तो आनंद हुआ, क्योंकि आनंद गया भगवान में, तब भगवान जीवों को रस देने वाला, आनंद देने वाला बना। तो इसीलिए ये वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है? भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, भगवतमय आनंद है, आनंदमय भगवान है। आनंद और भगवान ये एक ही चीज के दो नाम हैं, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा, चलिए अब वेदों को थोड़ा छोड़ दीजिए, वेदों से नीचे उतर आइए। अब मैं दर्शन शास्त्रों में ले चलती हूं आप लोगों को, क्योंकि उसके भी कुछ जानकार होंगे जो उससे समझना चाहेंगे, उनको उनका मैटर देना है। प्रश्न ये है कि अगर सुख नाम की कोई चीज है, आनंद नाम की कोई चीज है, तो वो किसका धर्म है? I'll tell you.